आप क्या मानती हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति की शुरुआत मकसद? देखिए, ये मेरे लिए कोई नई शुरुआत नहीं है। मैं पिछले 10 साल से संगठन से जुड़ी हुई हूँ, कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक पिछले 10 साल से रही हूँ। सिर्फ ये है कि इलेक्शन 2 बार भी मुझे पहले भी पूछे गए थे कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे काम की मसरूफियत के वजह से मैंने एग्री बाहर इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था। 3 जो कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम हो गए हैं, ऐसे में लगता नहीं कि काफी कठिन होगी डगर? नहीं, अगर डगर कठिन भी है तो भी उसका सामना तो करना ही है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और अगर हमारे ऊपर हाईकमान ने विश्वास करके हमें एक काम के लिए, हमेशा जो काम होता है वो अपने सोचे समझे हुए सिपाहियों को ही कठिन काम दिया जाता है। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक तत्वों के साथ है, ताकतों के साथ है। तो हमारी लड़ाई ये है कि हम लोगों को जोड़ के चलना चाहते हैं, हम लोगों को तोड़ के नहीं चलना चाहते। तो वो एक एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो लड़ाई है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है। लोग आपको देखने आते हैं क्योंकि आप फिल्म एक्ट्रेस हैं, लगता है कि ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा हो नहीं पाता? उनके रिस्पॉन्स से मुझे ये नहीं लगता कि कोई स्टार आ गई है, सिर्फ वो ही एक मसला है। मुझे लगता है इसके साथ साथ में मसला ये भी है कि उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई है कि कोई यहाँ पर ऐसा एक शख्स आया है जो शायद कोई बदलाव ला सकता है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठता है कि जो बाहर से प्रत्याशी होते हैं, खासतौर से फिल्म स्टार, वो चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं और लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं या आप इसको बदल कर दिखाएगी अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। एक तो ये है कि कई ऐसे फिल्म स्टार हैं जिन्होंने इसको अपना पॉलिटिक्स को, राजनीति को अपना एक पूरी निष्ठा के साथ, एक पूरी, जिन्होंने भी काम किया है, जिन्होंने काम करके दिखाया है, जैसे जयललिता बोल दीजिए या करुणानिधि बोल दीजिए, MGR बोल दीजिए, चिरंजीवी जी हैं, सुनील दत्त साहब रह चुके हैं, राज बब्बर जी हैं, जया प्रदा जी हैं, इन सब ने साबित किया है कि अगर वो कड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो बार बार पब्लिक इनको चुन के लेकर आती है। इनकी बातों से आज ये बात सामने बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि बाकी चीजों को ये बदलना चाहती हैं। जो एक छवि फिल्म स्टार की बनी हुई है कि वो राजनीति में आते तो जरूर हैं लेकिन इलाके को भूल जाते हैं, नगमा ऐसा नहीं करना चाहती। कैमरामैन संजय जाना के साथ अनुज यादव, DD News, मेरठ।